हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू पे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ MIUI बेस्ड जो मैसिक एक्स रोम का पोर्ट आया है रेडमी नोट 4 के लिए उसका। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रोम की जानकारी दे देता हूँ। तो ये दोस्तों रोम दो डिवाइस के लिए अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले रेडमी नोट 4 और दूसरा है रेडमी 3S प्राइम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें लेटेस्ट MIUI 10 का अपडेट मिल जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों इस पर आपको एंड्रॉयड पाई मिल जाता है जो कि अभी तक ऑफिशियली इस दोनों मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे महीने का जो है वो सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं रोम के इंटरफेस की। तो यहाँ पर दोस्तों इसके जो आइकॉन वगैरह आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो आपका जो मोबाइल है वो काफ़ी कस्टमाइज लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ स्टेटस बार की। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेटस बार में जो ब्राइटनेस का जो बार होता है वो थोड़ा सा पतला है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर हम थीम्स में बात करते हैं, थीम्स में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 जो है प्री इंस्टॉल थीम मिल रही है, तो यहाँ पर आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अच्छी बात यह भी है कि आप कोई से भी थर्ड पार्टी थीम है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ प्री इंस्टॉल वॉलपेपर भी मिल रहे हैं जिसको आप अपने मोबाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ से ये दिखा देता हूँ कि आपको सेटिंग में क्या क्या कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर डार्क मोड जो है वो अवेलेबल है और ये वर्किंग है, यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको डबल टैप टू बैक मिलता है। इसको ऑन करने के बाद जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपका मोबाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिस्टम का एनिमेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि स्टॉक जो रोम आती है या फिर अपडेट आता है उसमें नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन में भी अगर आपको फिंगरप्रिंट से अपना जो मोबाइल है ओपन करना है रिबूट हो जाने के बाद, तो भी आपको वो सब ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम होम स्क्रीन पे बात करते हैं, तो होम स्क्रीन पे भी आपको शॉर्टकट मिल जाता है। जैसे ही आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर रिसेंट ऐप्स रखे हैं। तो जैसे ही आप डबल टैप करेंगे होम स्क्रीन पे तो यहाँ पर रिसेंट मेनू जो है वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों सब ऑप्शन आपको जो स्टॉक रोम आती है, ऑफिशियल रोम आती है, उस पर नहीं मिलते, वो आपको इस रोम पे मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप अपना लेआउट है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 7x6 जो वो कर दिया है लेआउट, तो यहाँ से आप अपने मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और जो ऑप्शन है वो मिल रहा है। इसको ऑन करने के बाद आप जैसे ही कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये फोल्डर है ऐप्स का, उसको ओपन करने के बाद बैकग्राउंड जो है वो अपने आप ही ब्लर हो जाता है। ये दोस्तों सारे फीचर आपको इसी रोम पे मिलेंगे। तो इस रोम की जो लिंक वगैरह है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आपको एक्सट्रीम बैटरी सर्वर मिल रहा है, जिसको ऑन करने के बाद आपकी जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ जाएगा, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके फीचर और इंटरफेस की बातें। अभी दोस्तों मैं आपको बग्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वोल्टी वगैरह जो है वो वर्क कर रहा है, पर इसमें आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो कॉलिंग का इसमें बग है। तो अगर आप जियो यूज़र है तो इससे आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, पर शायद आपका जो वीडियो कॉल है वो इस पर नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों स्टॉक कैमरा और जी कैम है वो फुल्ली वर्किंग है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरा जो मोबाइल का कैमरा है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसकी वजह से आपको ब्लू शाइनिंग यहाँ पर दिख रही है। बाकी आप इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जी कैम भी प्री इंस्टॉल मिल जाता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ पोर्ट्रेट मोड में फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नाइट शॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप नाइट में भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों जी कैम की बात। अभी दोस्तों हम सेटिंग में बात करते हैं। तो सेटिंग में दोस्तों जो फिंगर लॉक का प्रॉब्लम था वो भी मैंने फिक्स कर दिया है और फेस डेटा भी चल रहा है, तो आपको इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप फुल स्क्रीन जेस्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को दोस्तों इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि ये जो वर्चुअल बटन थे वो हटाना चाहते थे, तो उन लोगों को क्या करना है, अपना जो विंडो प्रो फेस सिस्टम का उसको एडिट कर देना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेटस बार में। तो यहाँ पर दोस्तों ब्राइटनेस का जो भी प्रॉब्लम था वो भी फिक्स हो गया है।
यहाँ पर दोस्तों सिर्फ जो रीडिंग मोड है वो नहीं चल रहा है, बाकी दोस्तों यहाँ पर टॉर्च जो है वो वर्क कर रहा है, वाईफाई वर्क कर रहा है, हॉटस्पॉट वर्क कर रहा है, और ब्लूटूथ में जो हेडफोन का प्रॉब्लम था वो भी फिक्स हो गया है। तो आप इसमें ब्लूटूथ हेडफोन और स्पीकर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम थीम मैनेजर की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई सी भी जो थीम आती है थर्ड पार्टी थीम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, और वॉलपेपर को भी आप लॉक स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ भी उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम प्ले स्टोर की बात करते हैं, जीएप्स की बात करते हैं, तो जीएप्स में जो भी प्रॉब्लम था वो भी फिक्स हो गया है, तो आप अपना जो अकाउंट है उसको साइन इन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो यूट्यूब का वेनिस्ट वर्जन है उसमें भी आप अपना गूगल अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये रोम प्री रूटेड आती है और इस पर लेटेस्ट वर्जन मैजिक एसके का इंस्टॉल है, तो आपको रूट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से अपने मोबाइल पे रूट एक्सेस पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम का जो बटन है उसमें थोड़े से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक रोम में 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं पर यहाँ पर 4 ऑप्शन अवेलेबल है, इसको भी आप अपने सेटिंग के द्वारा मैनेज कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आता तो। तो ये हो गई दोस्तों मैजिक एक्स की रिव्यू। तो अगर दोस्तों आपको इस रोम को डाउनलोड करना है तो इसके लिंक वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो कैसे दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑरेंज बॉक्स रिकवरी को यूज़ करना रहेगा, अगर दोस्तों आप दूसरी रिकवरी यूज़ करेंगे तो ये रोम शायद आपके मोबाइल पर बूट ना हो। तो अगर दोस्तों आपको ये रोम अच्छी लगी है और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हैं।